हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से हम अपनी स्किन का ध्यान बेटर रख सकते हैं। लाइक पहले क्या होता था कि हम सिर्फ फेस वॉश करते थे, उसके बाद मॉइस्चराइज यूज़ करते थे, ठीक है, या फिर कोई भी जेल यूज़ कर लेते थे। बट आजकल क्या होता है, लोग पहले फेस वॉश करते हैं, देन उसको टोनर से क्लीन करते हैं, फिर उसको टोन करते हैं, उसके बाद सीरम लगाते हैं, उसके बाद लगाते हैं मॉइस्चराइजर, देन सनस्क्रीन, ठीक है, ये स्टेप होते हैं। बट अगर आप जानना चाहते हैं कि हाँ कि भाई हमें क्यों यूज़ करना है, जब हमारा काम एक सिर्फ मॉइस्चराइजर से चल सकता है, तो क्यों हमने इतने सारे तामझाम करने हैं? तो इसका रीज़न क्या है, क्यों हम सीरम यूज़ करते हैं? आज मैं एक ऐसे सीरम के बारे में बताने वाली हूँ जो कि हर स्किन टाइप के लिए अच्छा है। उसके साथ साथ आप उसके रिजल्ट जो हैं लाइव आपको दिखाऊंगी। हालांकि मैं यहाँ पे उसकी पूरी बोतल एक यूज़ करके मैंने उसको स्टॉप कर दिया है, लाइक स्टॉप नहीं, ख़त्म कर दिया है। उसके बाद मैंने दूसरा मंगाया है और वही आपके साथ आज मैं शेयर करने वाली हूँ। तो होता क्या है कि पहले लोग क्या करते थे कि सिर्फ फेस वॉश के बाद मॉइस्चर लगा लेते थे, ठीक है। बट जैसे जैसे स्किन प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं आजकल, उसी तरह से लोग अपनी स्किन का ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं, ठीक है। जो जितना पतला, लाइक पानी, जैसे पानी है, पानी बिल्कुल लाइट वेट है, जो जितना लाइट वेट होगा वो हमारी स्किन के अंदर उतना अच्छे से और उतना जल्दी जाएगा, ठीक है। तो पानी कैसे है, हमारे जो फेस पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं ना, उसमें जब जैसे ही पानी जाएगा तो स्किन जो है सोक कर लेती है, पी लेती है। तो हम सिर्फ मुंह से ही नहीं खाते हैं, स्किन से भी सांस लेते हैं और खाते हैं, ठीक है। तो जो भी पानी है वो स्किन सोख लेती है, या फिर जैसे भी हम पानी में नहाते हैं तो कुछ जो पानी है, कुछ परसेंट जो पानी है हमारी बॉडी सोक कर लेती है, ठीक है। तो इसलिए हम जितना लाइट वेट प्रोडक्ट यूज़ करेंगे उतना डीपली हमारी स्किन के अंदर वो पेनिट्रेट होगा, ठीक है। तो आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सिर्फ सीरम के बारे में। ऑलरेडी मैंने जो लास्ट वीडियो आपके साथ शेयर किया था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो भी देखना, वो सिर्फ नाइट सीरम है। याद रखना कि ये सीरम जो है, जो वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ नीचे, ये सिर्फ नाइट सीरम है, नाइट में आपने इसे यूज़ करना है। बट यहाँ पे जो सीरम यूज़ करने दिखाने वाली हूँ, ये आप डे नाइट जब भी यूज़ करना चाहे कर सकते हैं। इवन अगर आप मेकअप लवर्स हैं तो ये बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि एक बहुत अच्छा बेस मिलता है हमारे मेकअप को लगने के लिए, बहुत स्मूथ स्किन मिलेगी। तो अब बात कर लेते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में। तो ये है गुड वाइब्स का रोज़ हिप ऑयल, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरी पूरी बोतल जो है ख़त्म हो चुकी है, आई थिंक थोड़ा बहुत बचा होगा इसमें, ठीक है। और मैंने ऑर्डर करी है ये दूसरी, तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ ये शेयर करती हूँ। मैं इसको ओपन करके भी आपको दिखा देती हूँ, कहीं आपको लगे कि ऐसे ही दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, ये मैं यूज़ कर चुकी हूँ, ये मैंने दूसरी मंगवाई है, ठीक है। तो इसके बारे में बात करती हूँ, तो मैं अब इसको बैक कैमरे से आपको और अच्छे से दिखा देती हूँ कि क्यों मैं इसको बता रही हूँ, कि क्यों आपको यूज़ करना चाहिए, कैसा है ये, किस तरह से आपने यूज़ करना है, ऑल अबाउट दिस प्रोडक्ट। तो चलिए देख लेते हैं सभी डिटेल में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो ये वो सीरम है जिसकी मैं बात कर रही थी, गुड वाइब्स के। और भी बहुत से सीरम आते हैं, आप अपने हेयर्स की प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग सीरम ले सकते हैं, आप अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग सीरम ले सकते हैं। रोज़ हिप ऑयल हमारी स्किन को बहुत अच्छा ग्लो देता है, ब्राइट देता है, जितने भी डार्क स्पॉट होते हैं उनको भी थोड़ा सा कम करता है, ठीक है। ये सब चीज़ें मतलब मैंने देखी हैं कि डार्क स्पॉट्स पे तो नहीं मैं कहूँगी कि ये वर्क कर रहा है, बट हाँ इतना है कि स्किन को बहुत सॉफ्ट और बहुत बेबी सॉफ्ट स्किन को बना देता है, बहुत ही सबल और बहुत ही सॉफ्ट बना देता है। तो ये है, ये यहाँ पे मेरा खाली हो चुका है, तो ये प्रोडक्ट की मैं यहाँ पर बात कर रही थी। तो मैं बता रही थी ये इसका बेनिफिट क्या है, सीरम क्या करता है, ठीक है। जो हम क्रीम यूज़ करते हैं वो थोड़ी सी थोड़ा सा जो है हैवी होती है, ठीक है। जितना हैवी प्रोडक्ट हम यूज़ करेंगे उतना हमारे स्किन के अंदर डीपली पेनिट्रेट वो नहीं होता, सिर्फ वो ऊपर की लेयर पे लग जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो सीरम है, ठीक है, यहाँ पे जो सीरम है ये पूरा लाइक ऑयल या वाटर के जैसे दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह का दिखता है, ठीक है। ये कुछ इस तरह का है, बहुत लिक्विडी ये होता है, इसलिए जितना लिक्विड होगा ना उतना अच्छे से हमारे स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाएगा। तो अब मैं आपको इसका डिफरेंस दिखाऊंगी, मैंने यहाँ पे लगा दिया है, यू कैन सी।
और आप देखेंगे आपका हाथ ना अपने आप इसके ऊपर फिसलता है, अपने आप आपका हाथ इसके ऊपर ऐसे फिसलेगा, इतना अच्छा है ये। तो अच्छे से आपने इसको अपनी स्किन के अंदर जो है पेनिट्रेट करना है अपनी स्किन के अंदर। उसके बाद आपने आप देखेंगे कि आपकी स्किन के उस बाद उस पे आप जो भी प्रोडक्ट लगाएंगे वो बहुत अच्छे से लगेगा, बहुत अच्छे से ब्लेंड होगा। देखा होगा बहुत से लोग फेस फेस पे जब फाउंडेशन लगाते हैं, बीबी क्रीम लगाते हैं, तो केकी हो जाता है या फटाफटा सा दिखता है या फिर अलग से दिखता है कि हाँ भाई फेस पे कुछ लगाया है। ठीक है, तो इस चीज़ से बचने के लिए अगर आप सीरम यूज़ करते हैं तो आपको वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये देखिए ग्लो की अगर मैं बात करूँ तो आप देख ही सकते हैं। ठीक है, ये हाथ कितने अच्छे से साइन कर रहा है। ठीक है, ये मैंने लगा लिया। अब सपोज करो हम इसके ऊपर कोई भी क्रीम या फाउंडेशन लगाते हैं। मैं दोनों तरफ आपको लगा के दिखाऊंगी ये बीबी क्रीम कि किस तरह से आपको डिफरेंस दिखेगा। विजिबल डिफरेंस मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाली हूँ। ठीक है, इस तरह से फैलाई, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये ब्लेंड हो रही है। ये पॉन्ड्स की बीबी क्रीम है, अगर आपने नहीं देखी है मैं ऑलरेडी आपके साथ ये वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पे वो वीडियो है वो भी आप देख सकते हैं, वो भी मैंने शेयर की है कि वो कैसी है। तो ये देखिए ईजिली ब्लेंड हो गया। और अगर इसी क्रीम को आप बिना सीरम के जब लगाते हैं ना, मैं दूसरे हाथ पे बिना सीरम के आपको लगा के दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा निकल गई। बीबी या सीसी क्रीम जब भी आप यूज़ करते हैं तो बहुत कम आपने यूज़ करनी होती है। देखिए ठीक है, ब्लेंड हो रही है, ऐसा नहीं कि ब्लेंड नहीं हो रही, बट एक ड्राइनेस सी हमारे फेस पे दिखेगी आपको। ये देखना, ये देखिए ब्लेंड हो गई। अब डिफरेंस आप खुद देखिएगा, इस पे एक अलग ही ग्लो है, साइन है, इतनी इस पे नहीं है जितनी कि इस पे है। ठीक है, तो यही डिफरेंस है। और बिल्कुल ऐसे बिल्कुल आराम से, कोई केके नहीं लग रहा, किसी तरह का कुछ भी आपको यहाँ पे फील नहीं हो रहा होगा। ये हल्का सा ड्राई हो चुका है, यू कैन सी कि ये देखो यहाँ पे ड्राई ड्राई थोड़ा सा लग रहा है, और ये कितना सैली है ना। ये थोड़ा सा इसके अगर कंपेयर करें, आप अच्छे से देख सकते हैं, अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये वाला थोड़ा सा सही नहीं दिख रहा है, ये थोड़ा सा ड्राई दिख रहा है। तो यही है फ़र्क और यही है इसका फ़ायदा। तो अब जो हमने बीबी क्रीम हमारे फेस पे लगाई है वो हमारे पोर्स के अंदर नहीं बैठेगी, या जो भी मेकअप हम लगाएंगे वो हमारे पोर्स के अंदर नहीं बैठेगा, बल्कि वो हमारे ऊपर लेयर पे सिर्फ रहेगा, अंदर तक नहीं जाएगा और किसी तरह की स्किन की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो यही बेनिफिट होता है सीरम का, और सीरम के जो गुण हैं, जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हमारी स्किन के अंदर डीपली पेनिट्रेट हो जाएंगी और बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसको मिलेंगे। तो रोज़ हिप ऑयल क्यों लगाना चाहिए, इसका बेनिफिट क्या है और किसे लगाना चाहिए, हर स्किन टाइप यूज़ कर सकता है, इसके ऊपर दिया गया है। तो मैं इसको बैक कैमरे से आपको दिखा, तो ये है प्रोडक्ट, ये जो बोतल है मेरी वो है जो खाली हो चुकी है, मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए इसे रखा हुआ था, और ये है जो मैंने अभी ओपन की है। तो ये देखिए कुछ इस तरह का दिखता है, ये रोज़ हिप ऑयल है। ठीक है, हाँ रोज़ हिप, हाँ अब अच्छे से दिख रहा है, गुड वाइब्स का है, रोज़ हिप है, रेडिएंट ग्लो फेस सीरम है ये, और हर स्किन टाइप के इस ये जो है यूज़ होगा। कैप्चर नहीं हो रहा, कभी कभी बीच बीच में ब्लर हो जा रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर पूरा लिखा हुआ है किस तरह से आपने इसे यूज़ करना है, कब कब यूज़ करना है और कितना यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, आपको ये दिखा भी देती हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बेनिफिट्स लिखे हुए हैं कि क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, वो भी मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। ये सीरम जो है ऑल स्किन टाइप के लिए है, और आपकी स्किन को ब्राइट करता है, ग्लो करता है, उसके साथ साथ ये आपकी स्किन की जो इलास्टिसिटी है उसे भी इम्प्रूव करता है, और एक इवन स्किन टोन आपको देता है। यूज़ कैसे करना है, सिर्फ जब भी आप अपना फेस वॉश करते हैं उसके बाद 2 से 3 बूंदें आपने लेनी है, और लेने के बाद आपने
जो है 2 से 3 बूंदें लेनी है और अपने पूरे फेस पे जेंटली मसाज करनी है। उसके बाद कोई भी मॉइस्चराइजर आपने अपने फेस पे लगा लेना है, नहीं तो क्या होगा कि जो सीरम है ये उड़ जाता है, इसलिए इसको कवर करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और प्राइस अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख पा रहे होंगे 499 है, यानी कि 500 रुपीज़ इसका प्राइस है। बट आपको अमेज़ोन पे तो आई डोंट नो कि ये है कि नहीं, बट आपको purple.com पे ये ज़रूर मिल जाएगा, नायका पे भी मिल जाएगा, गुड वाइब का है और यहाँ वहाँ पे हमेशा डिस्काउंट चलते रहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा है, इस तरह से आप इसे मतलब यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे इसके बेनिफिट हैं। और क्वांटिटी की अगर मैं बात करूँ तो 50 ml है हर सीरम में, आप देखेंगे 10 ml 15 ml ऐसे होता है, ये 50 ml है, 50 ml है ये। तो ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, आप चाहें तो इसे डेफिनेटली ले सकते हैं। तो अब हम बताना आपको कि ये आपने ये था वीडियो, आपने पूरा प्रोडक्ट भी देख लिया और देखा कि किस तरह से ये वर्क करता है, बहुत अच्छा है, हर स्किन टाइप के लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसे मंगवाना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली मंगवा सकते हैं, लगभग 1 साल तक इसकी सॉरी 2 साल तक इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो होती है। तो लेने से पहले आप उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो ज़रूर चेक कर लें। जब भी आप कोई चीज़ ऑफ़र में लेते हैं तो होता क्या है कि एक्सपायरी डेट चेक हम नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आप उस एक्सपायरी डेट को ज़रूर चेक करें, उससे आपको पता लग जाएगा कि ये कितना वर्थ है आपके लिए और कब तक चलेगा। ऐसा ना हो कि टाइम बहुत कम हो तो फिर आपका प्रोडक्ट जो है वेस्ट हो जाएगा। कभी भी एक्सपायर हुआ प्रोडक्ट अपने फेस पे यूज़ नहीं करना है आपने, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर मैं इसी तरह की स्किन केयर, हेयर केयर केयर से रिलेटेड वीडियो डालती रहती हूँ और वीक में 3 दिन वीडियो डालती हूँ, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, दिस इज मुकेश भट्टी टिप्स।